हेलो दोस्तों, मैं हूं दिलीप। और महिलाओं और पुरुषों की उम्र बढ़ने में बड़ा फर्क होता है। बढ़ती उम्र के साथ महिलाओं का मेटाबॉलिज्म सिस्टम और मांसपेशियां तेजी से कमजोर होती हैं। मेनोपॉज जैसे शारीरिक बदलाव की वजह से मिडिल एज में वजन बढ़ने, मूड स्विंग समेत कई तरह की दिक्कतें बढ़ जाती है। एक्सपर्ट कहते हैं कि अगर 40 की उम्र के बाद महिलाएं अपने इम्यून सिस्टम और मेटाबॉलिज्म को दुरुस्त रखें तो इस समस्या से निपटा जा सकता है। इसके लिए 40 साल से ज़्यादा उम्र की महिलाओं को अपनी डेली डाइट में कुछ चीज़ें जरूर शामिल करनी चाहिए। चिया सीड्स, फाइबर, ओमेगा 3 फैटी एसिड, मैग्नीशियम से भरपूर चिया सीड्स ना सिर्फ हड्डियां मजबूत करते हैं बल्कि इससे शरीर को प्लांट बेस्ड प्रोटीन भी मिलता है। मॉर्निंग डाइट या ओट मील के साथ खाने से इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू बढ़ती है जो आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करने का काम करता है। बादाम अखरोट, बढ़ती उम्र के साथ हर महिला को अपनी डाइट में बादाम अखरोट शामिल करने चाहिए। हेल्दी फैट, प्रोटीन और फाइबर से भरपूर ये नट्स इम्यूनिटी के लिए बड़े फायदेमंद होते हैं, साथ ही साथ ये वजन कंट्रोल करने में भी मदद करते हैं। सेव, रोजाना सुबह एक सेव खाने से इंसान का शरीर तमाम रोगों से दूर रहता है। सेव ना सिर्फ लंबे समय तक भूख को कंट्रोल रखता है बल्कि इसे डेली डाइट में शामिल करने से हृदय से जुड़ी बीमारियों का खतरा भी कम होता है। सेव हमारे लिए इम्यूनिटी बूस्टर का काम कर सकता है। खट्टे फल, संतरा, अंगूर और नींबू जैसे खट्टे फलों में एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं। इसमें मौजूद फाइबर, विटामिन सी और तमाम तरह के न्यूट्रिएंट्स हमारे दिमाग के लिए काफ़ी अच्छे हैं। मोटापा और हृदय रोगों के मामले में भी खट्टे फल काफ़ी फायदेमंद माने जाते हैं। अंडे, महिलाओं के शरीर में विटामिन डी और आयरन दोनों की काफ़ी कमी होती है। अंडा महिलाओं की सेहत के लिए बड़ा फायदेमंद होता है। इसमें प्रोटीन की भरपूर मात्रा के साथ साथ कोलेस्ट्रॉल लेवल घटाने, हार्ट डिजीज का खतरा कम करने और मोटापे को कंट्रोल रखने वाले गुणकारी तत्व होते हैं। हाई प्रोटीन कंटेंट और कार्बोहाइड्रेट शुगर की कमी अंडे को महिलाओं के लिए बेस्ट फूड बनाती है। ऑयली फिश, सालमन नाम की मछली में हेल्दी ऑयल पाया जाता है जिसका सेवन महिलाओं को नियमित रूप से करना चाहिए। ये ऑयल महिलाओं के शरीर में जेनरेट होने वाले जरूरी हार्मोन के मैन्युफैक्चर के लिहाज से भी काफ़ी ज़रूरी है। दरअसल ऑयली फिश में ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है। ये ना सिर्फ हमारी इम्यूनिटी के लिए अच्छा है बल्कि इससे दिल, दिमाग और जोड़ भी दुरुस्त रहते हैं। गाजर, विटामिन ए से भरपूर गाजर इम्यूनिटी के साथ साथ हमारी स्किन और आँखें के लिए भी अच्छी होती हैं। इसमें मौजूद फाइबर और एक खास तत्व हमारे चेहरे से डार्क स्पॉट, झुर्रियाँ और एक्ने की समस्या को गायब करने का काम करता है। ओगर्ट, ओगर्ट को कैल्शियम और प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है। इसमें मौजूद गुणकारी तत्व हमारे शरीर को कई तरह से फायदे पहुँचाते हैं। ये हमारी इम्यूनिटी के लिए भी एक ज़बरदस्त चीज़ है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो आपको अगर मददपूर्ण लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें और इसी तरीके से और भी वीडियो को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।